गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम SOS का नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे, कॉमेट्स। कॉमेट्स का होता है धूम केतु। द कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन इन लोग इलिप्टिकल ऑर्बिट्स आर कॉल्ड कॉमेट्स। जो आकाशीय वस्तु होती है जो सूर्य के चारों ओर एक लंबा दीर्घ वृत्ताकार बनाती है, उसे क्या बोलते हैं? कॉमेट्स, यानी कि धूमकेतु। व्हेन अ कॉमेट रीच नियर द सन, जब वो सन के नज़दीक पहुंचता है, इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, तब स्टार्स क्या होते हैं? चमकने लग जाते हैं। एंड डेवलप्स अ लॉन्ग टेल, और एक लंबी पूंछ बनाते हैं। दैट ऑलवेज स्ट्रीम्स अवे फ्रॉम द सन, जो कि हमेशा सूर्य से दूर होता है। द मोस्ट फेमस कॉमेट इज द हेलीस कॉमेट। कौन सा कॉमेट है फेमस वाला? हेली कॉमेट, विच वाज प्रेडिक्टेड एंड स्टडीड बाय एमड्यूमेड हेली। जिस ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होता है? क्षुद्र ग्रह। एस्टेरॉइड्स आर रॉकी एंड मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स। जो होता है ये एक रॉकी और मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स है, बना होता है। दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, ये भी जो है सूर्य के चारों चक्कर लगाता है। बिटवीन द ऑर्बिट्स, उसकी ऑर्बिट्स मतलब उसकी कक्षाओं में, ऑफ मार्स एंड जुपिटर, और मार्स और जुपिटर में भी। दे आर स्मॉल सो दे आर कॉल्ड प्लैनेट्स और माइनर प्लैनेट्स। ये स्मॉल होता है इसलिए इसे प्लैनेट्स और माइनर प्लैनेट बोलते हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट दीज आर द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ सम प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड लॉन्ग टाइम एगो। जो साइंटिस्ट है विश्वास करते हैं कि ये बहुत समय पहले जो है इसका कुछ पार्ट जो है, इसका जो कुछ पार्ट है फट गया है, ठीक है, बहुत समय पहले। उसके बाद आता है मेट्रिट्स और एंड मेटोरियट्स। मेट्रिट्स क्या होता है? उल्का, और मेटोरियट्स क्या होती है? उल्का पिंड। मेट्रिट्स आर स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन, समटाइम्स यू बीन शूटिंग स्टार। जो ये भी सूर्य के ये छोटी छोटी क्या होती हैं, पीसीज होती हैं रॉक्स की, तो सूर्य के चारों ओर क्या करती हैं? चक्कर लगाती हैं। समटाइम्स यू सीन शूटिंग स्टार, तब कुछ टाइम में टाइम उसको देखते हो आप छोटे स्टार्स के रूप में इन द स्काई। स्काई में एक्चुअली दे आर द मैटर्स, इसे क्या बोलते हैं? मैटर्स, यानी कि उल्का। उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ मैटर्स, इसकी प्रेजेंस में इन द स्काई इज नोन ओनली वेन दे एंटर द अर्थ एटमोसफेयर। जब क्या है, जब क्या होते हैं, जब ये अर्थ के अंदर एटमोसफेयर के अंदर एंटर होते हैं, बिकॉज ड्यू टू फ्रिक्शन, अपने फ्रिक्शन के कारण दे बर्न, वे क्या होते हैं, जलते हैं विद ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट के से। सम ऑफ देम आर वेरी बिग, तब वो क्या हो जाते हैं, कुछ बड़े हो जाते हैं। सो दैट दे नोट बर्न अप कम्प्लीटली इन द स्काई, और जो है जो ये पूरी तरह से जलते नहीं है इन स्काई में। दे हिट द सरफेस ऑफ द अर्थ, सच मैटर्स आर कॉल्ड मेट्रोट्स। उनको क्या बोलते हैं हम? उल्का पिंड, ठीक है। उसमें जो क्या है, जलते नहीं और बड़े हो जाते, उनको क्या बोलते हैं हम? उल्का पिंड, ठीक है। उसके बाद आता है कंसोलेशंस। अ ग्रुप ऑफ फ्यू स्टार्स विच फॉर्म्स अ पर्टिकुलर पैटर्न इज कॉल्ड अ कंसोलेशंस। कुछ जो स्टार्स होते हैं ग्रुप, जिनका कुछ ग्रुप होता है कुछ स्टार्स का, जो फॉर्म करते हैं पर्टिकुलर पैटर्न में, इसे क्या बोलते हैं? कॉन्सोलेशन। इट मे फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ एनिमल। कुछ तो एनिमल की फिगर बनाते हैं, पीपल की और एनी अदर पर्टिकुलर फिगर, और अदर पर्टिकुलर फिगर बनाते हैं। दिस सप्तऋषि इज द मोस्ट फेमस कॉन्सोलेशन। ये जो सप्तऋषि, इसका मोस्ट फेमस कॉन्सोलेशन है। द अदर कॉन्सोलेशंस आर लुगु सप्तऋषि, ओरियन, स्कॉर्पियो एट्सेट्रा। ये देखो, फर्स्ट हम करेंगे सप्तऋषि। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ग्रेट बियर, इसे ग्रेट बियर भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सेवन ब्राइट स्टार, ये भी जो है सेवन ब्राइट स्टार होते हैं इसके अंदर। दीज सेवन स्टार्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ डीपर। ये देखो इस तरह से क्या होते हैं, ये सेवन स्टार्स जो होते हैं अरेंज होते हैं, ठीक है, किसकी फॉर्म में? डाइपर की फॉर्म में अरेंज होते हैं। इट कैन बी क्लियरली सीन द मंथ ऑफ जुलाई, ये जो आपको इसको क्लियरली देख सकते हो जुलाई मंथ में। नेक्स्ट है लघु सप्तऋषि।
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लिटल बियर, ये लिटल बियर होता है। इट इज ऑल्सो कंजिस्ट ऑफ 7 स्टार, इसके अंदर भी 7 स्टार कंजिस्ट होते हैं। दी स्टार्स अरेंज वेरी क्लोज, इसमें जो स्टार्स होते हैं ये बहुत क्लोजली अरेंज होते हैं टू ईच अदर आपस में। सो इट इज़ कॉल्ड लघु सप्तऋषि, इसे क्या बोलते हैं, लघु सप्तऋषि बोलते हैं। ये देखो ये 7 स्टार्स को आपस में क्लोजली जो होते हैं, क्लोज होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, ये द कॉन्स्टलेशन इज फेंट सो डिफिकल्ट टू स्पॉट, ये एक डिफिकल्ट स्पॉट होते हैं, ठीक है। कैन भी ये भी मंथ ऑफ जुलाई में आपको देख सकते हैं। ओरियन यानी कि कल पुरुष, इट इज़ अ लार्ज एंड ब्रिलियंट कॉन्स्टलेशन, ये एक बड़ा और ब्रिलियंट कॉन्स्टलेशन, एंड इज विजिबल इन बोथ द हेमिस्फीयर्स इन विंटर, ये जो है आपको कहाँ दिखाई देता है, विंटर में दिखाई देते हैं। इफ़ वी जॉइन द स्टार्स ऑफ कॉन्स्टलेशन विद एन इमेजिनरी लाइन व्हेन इट लुक्स लाइक हंटर, ये इस तरह से दिखाई देता है कि जैसे कि एक हंटर दिखाई दे रहा है। इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ 7 स्टार, इसके अंदर भी 7 स्टार्स जो होते हैं कंसिस्ट होते हैं। स्कॉर्पियो, इट इज़ अ लार्ज कॉन्स्टलेशन ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर कंटेनिंग स्टार क्लस्टर्स दैट रिजेंबल्स अ स्कॉर्पियो विद द टेल, ये एक टेल की तरह के आपको एक टेल की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैसिपिया, इट लुक्स लाइक अ एम और डब्ल्यू, दिस कॉन्स्टलेशन कंटेन्स सेवरल स्टार्स क्लस्टर वन ऑफ विच कंटेन्स 100 ऑफ स्टार, इसमें एक के बीच 100 स्टार कंटेन्स होते हैं। इट विजिबल फ्रॉम द नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये आपको नॉर्थन स्फीयर में जो है दिखाई देता है, जैसे ये देखो इस तरह से बने बनते हैं, और ये एम की फॉर्म में या डब्ल्यू की फॉर्म में बनते हैं, ठीक है। आपका जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया, आपने ये की टर्म्स खुद से करने हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और आपका की टर्म का टेस्ट रहेगा ट्यूसडे को, ठीक है।